अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और कल मैं वीडियो बनाई नहीं, इसलिए आज कोई भी वीडियो गया नहीं मेरा, कि कल तबीयत ठीक थी नहीं। इतना ज़्यादा पेट में दर्द था, पथरी का दर्द कभी कभी हो जाता है, और जब होता है ना तो बहुत ज़्यादा होता है, एकदम मैं परेशान हो जाती हूँ। तो इसलिए दिल नहीं किया बना। जब तबीयत ठीक नहीं रहती है तो कुछ भी करने का दिल भी नहीं करता, घर का काम करने का दिल ही नहीं करता, वीडियो क्या बनाऊँ। तो इसीलिए नहीं बनाई। बहुत ज़्यादा दर्द है, जब भी पथरी की दर्द होती है तो बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। तो जाके रात को थोड़ा ठीक हुआ, और अफ्तार में भी जो बनाना था थोड़ा बहुत निखत ही बनाई थी, मैं नहीं बनाई थी। जब दर्द उर्द कम हुआ तब जाके रात को खाना उना बनाई हूँ। तो वीडियो आज गई नहीं, जब कल नहीं बनाई थी मैं, तो यही सब था। अभी मैं कपड़ा धोई हूँ, बर्तन धोई हूँ, पानी भी नहीं आ रहा था। हॉल में एक नल है, उसमें तो लगा के मैं मशीन कपड़ा धो ली, और बाथरूम में भी एक नल में है, थोड़ा थोड़ा 3 बजे से आना चालू हो जाता है पानी, तो वही पानी भर भर के आज बाथरूम में बैठ के टब में सब बर्तन रख के धोई हूँ। बहुत मतलब बहुत दिन के बाद मैं बैठ के बर्तन धोई हूँ बाथरूम में। फिर तो मैं ज़्यादातर खड़ी होके बेसन में धोती थी, पानी नहीं था तो उसमें बेसन बाथरूम में थोड़ा थोड़ा नल में एक नल भर भर के अंदर ही मैं बोली कि उठा उठा के लाऊँगी बाल्टी, फिर कहीं दर्द उर्द हो जाएगा पेट में। तो मैं अंदर ही सारा बर्तन को टप में रख के अभी धो के फुर्सत हुई हूँ, कपड़ा भी धोई हूँ, सब धो के फुर्सत हो गया तब मैं सोची कि जा रही हूँ अफ्तारी की तैयारी करूँ, तो ले वीडियो भी बनाती हूँ। तो अभी सब कुछ तो शेयर नहीं करूँगी क्या क्या बना रही हूँ, जो हो सकेगा करूँगी शेयर। मेरा ना मशीन भी आज 3 दिन से नहीं चल रहा था, मैं एकदम परेशान थी। गिलाप बनाना था मेरे को, फ्रिज का कवर बनाना था। तो कल हाँ कल फोन करी इसके अब्बा को, दुकान पे थे, तो बोली कि तो एक कारीगर को भेजे कि जाके देखो, तो एकदम मशीन सूख गया था, तेल उल कितने दिन से इधर चला भी नहीं रही हूँ, तो साफ उफ करके गए तेल उल रख के, तो फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर इसके अब्बा भी रात को तेल उल डाले उसमें मशीन में, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर अभी आया हुआ एक कारीगर को फिर भेजे थे कि जाके देखो, तो चक्का होता है ना उसमें धागा बहुत सारा फंसा हुआ था, इसके लिए वो चल ही नहीं रहा था, एकदम जाम हो गया था। तो अभी वो ठीक करके गए, क्योंकि मेरे को गिलाफ सीना है, तकिए का, फ्रिज का कवर सीना है, दस्तरखान बनाना है, ये सब करना है, तो मशीन ठीक ही नहीं था। मैं बोली अफ्तार के बाद टाइम मिलता है तो ये सब मतलब थोड़ा थोड़ा कर सकती हूँ, वही अभी बना है, यही सब था। अभी जा रही हूँ किचन में और देखती हूँ अभी क्या क्या आपके साथ शेयर, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया है। झाड़ू बोल रही हूँ, बर्तन कपड़ा ये सब करते उड़ते बहुत लेट हो गया है। पानी रात को भी नहीं था, अगर रात को पानी रहता ना तो रात को भी बर्तन उर्तन नहीं धोई थी मैं, सारा बर्तन पूरा जमा था, एकदम पूरे स्टैंड का बर्तन उतर के जमा हो गया था नीचे, तो पानी था नहीं सब, तो सब छोड़ दी थी उसी तरह। तो ये अभी 3 बजे पानी आया है, तो ये सब करी हूँ, देखता हूँ फिर। अस्सलाम वालेकुम, सही से सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, पूछो आप सब कैसे हो? आप सब कैसे हो? एक अभी धूप में से खेल के आया, बाहर निकल मना करती हूँ नहीं निकलने को, फिर भी ये नहीं सुनता है। हाँ बम्बई की तो बहुत बुरी हालत है, मालूम ही है आप सबको, इतनी बीमारी फैली हुई है, फिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा है, बाहर जाता है खेलने। तो बाहर के बच्चे नहीं रहते, अपने चाली के अड़ोस पड़ोस के यही सब के बच्चे रहते हैं, तो चला जाता, फिर भी नहीं सुनता। गर्मी इतनी ज़्यादा है, पूरा घमौरी से पूरा इसका बदन पूरा लाल हो गया है, हाथ उत सब में शकल तो देखिए कैसा काला पड़ गया, अरे पूरा गर्दन उर्दन पीठ उठ सब में घमौरी लाल 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 घमौरी हुई हुई है, फिर भी नहीं सुनता। मैं इधर लग जाती हूँ काम करने में, आइए चुप से निकल जाता है। तो वीडियो मेरी अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो न्यू है मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, नहीं तो फिर पैसा लगता है सब्सक्राइब करने का? नहीं। बता दो क्या दबाने का?
सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। आप बेल आइकन को बेल आइकन को दबाना कि जो भी वीडियो मैं डालूं उसकी नोटिफिकेशन फौरन आपको जाए। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं, देखते हैं क्या करना है अभी। गुड्डू कौन खाएगा, जा लेकर आ, जाओ लेकर आ। अंगूर खा रहा है गुड्डू, ये भी लेना है। ये दे दो, दे दो। किसका है ये, गुड्डू का है? ये अंगूर गुड्डू का है? ने पापे, ये गुड्डू गुड्डू गुस्सा हो गए। आ मुंह में है तो गुस्सा क्या हो जाएगा? अरे अलो अलो, नहीं नहीं, ये मेरा है, ये मेरा है गुड्डू, ये मेरा है, मैं खाऊंगी, ये मैं खाऊंगी, नहीं मैं दूंगी नहीं, खाऊंगी मैं, खाऊंगी गुड्डू मैं खाऊंगी ये। नहीं, ए तोड़ लिया इसमें से, मेरा था ना। कहाँ जा रहा है? तौसीफ कहाँ है? तौसीफ को बुलाओ तो। तौसीफ, तौसीफ, तौसीफ को बुलाओ। नहीं बुलाना है, और लेना है, और लेना है, जाओ वहां से लेके आओ। अभी देखो, ये देखो, जाओ लेके आओ। चलो खा लो, मैं जा रही हूँ काम करने। गुड्डू बाय कर दो, बाय कर दो। ये खाने के चक्कर में ना किसी की नहीं सुनता है, खाने के टाइम और फिर जब उसकी नींद पड़ जाती है तब भी कुछ नहीं सुनता है। वो सर उठाओ कुछ भी करो, सोया का सोया रहेगा। खाने के टाइम तो सीधा है, देखो देखिए मुंडी पूरा घुमा के उधर कर लेता है। खाने के मामले में कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता उसको। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे मेरी अफ्तारी बन ही रही थी आज, इतना ज़्यादा लेट हो गया था। बच्चे सब भी आ गए थे तो इतना ज़्यादा लेट हो गया था। तो दोनों कढ़ाई दोनों बाजू चढ़ा दी, एक तरफ मैं छानने लगी थी समोसा वमोसा और एक तरफ मेरी बहू फ्राई करने लगी थी। तो वहीं पे मतलब फ्राई करते करते सब अफ्तारी सब भी, इधर निकट मेरी लगा दी थी, तो सिर्फ निकट मिल के लगाए थे तो अफ्तारी लग गई। आइए आप सब भी अफ्तार कर लीजिए। और यहाँ पे ना जब लग गई थी तो टाइम तो हो रहा था, तो मैं बोली थोड़ा सा वीडियो निकाल लूँ, तो पसीने में एकदम तर थी मैं और इसी निकाल ली थी। यहाँ पे मेरा बड़ा वाला बेटा आप सबको सलाम किया और बोला अम्मी का एक फ़ोटो निकाल के लगा देने का थंबनेल पे। तो मैं बोली थी नहीं, बहुत गंदी लग रही हूँ अभी, क्योंकि एकदम पसीने से तर थी और मैं पूरा पैर उठ पसार के बैठ गई यार फोटो ये फोटो बोल रही हूँ ये लगाने वीडियो बनाने लगी। तो ही बोला था एक अम्मी का फ़ोटो खींच के लगा दे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलती हूँ आपसे।